Very warm greetings to all. Today I'll start with the tutorial of first tutorial of FreeCAD. This is also one open source software. As we were going to the LibreCAD where we were doing 2D drawings, here we can do the 2D as well as 3D drawings also. Isme two dimensional or three dimensional dono drawings ho sakti hain. तो मैं इसके ट्यूटोरियल्स कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ LibreCAD के भी किए हैं, उनको मैं और भी आगे करता रहूँगा उसमें कुछ ना कुछ, और यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ और आपके साथ। अब 3D सॉफ्टवेयर इसमें बहुत, ये काफ़ी वास्ट सॉफ्टवेयर है, इसमें आप ड्राफ्टिंग वर्क भी कर सकते हैं, 3D ड्राइंग्स मॉडलिंग भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जो कर सकते हैं, जो एक एक करके मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो इसका एक मैं जनरल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको एक सम से नहीं लेके जाऊंगा, मैं एक एक करके एक जनरल प्रोसीजर बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे हम क्या क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे बड़े अच्छे हैं कि इसमें आप ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग भी है इसमें, कि आप 3D ऑब्जेक्ट बना लो, उसका ऑटोमेटिक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप चाहो तो स्पेशली ड्राफ्ट वर्क करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है। इसमें काम कैसे किया जाता है वो हम पहले देखते हैं, हाउ बेसिकली वी वर्क इन दिस। इसमें काम करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि इसमें वर्क बेंचेस होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्क बेंचेस हैं। तो मैं आपसे बेसिकली बहुत सारे, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें काफ़ी सारे वर्क बेंचेस आप सामने अपने देख पा रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे पहले वो वर्क बेंचेस डिस्कस करूँगा जो आप एक प्रोसीजर से चलेंगे, तो उस प्रोसीजर से आपको बहुत ईजी हो जाएगा 3D के साथ 2D जनरेट करने में। तो पहले मैं आपसे वो प्रोसीजर डिस्कस करता हूँ। ये प्रोसीजर बड़ा बढ़िया रहता है कि आप पहले कोई फिगर्स आपके पास दिए हुए हैं, आप उसका 3D बना लीजिए और 3D से ऑटोमेटिक सारी 2D जनरेशंस अपने आप हो जाती हैं, सारी ड्राइंग्स अपने आप बन जाती हैं। तो दैट इज़ वन वेरी गुड फीचर ओवर हियर। तो आज हम उस चीज़ को लर्न करते हैं। अभी तक हम LibreCAD में देख रहे थे कि हम 2D ड्राइंग्स कैसे बना रहे हैं, अब हम यहाँ पर 3D बनाएंगे और 3D से 2D अपने आप हमें मिलना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें 2D बनाने के लिए पहले जिससे हम 3D बनाते हैं वो एक, इसमें एक हमारा वर्क बेंच आ जाता है। जैसे हमारे, हम सबसे पहले मान लीजिए पार्ट डिज़ाइन और पार्ट है, इन दोनों से हम जो हैं 3D ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली बना सकते हैं। उसमें भी होता है वैसे ये, पहले हम एक स्केच बनाते हैं और उस स्केच से फिर हम 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस 3D से फिर ऑटोमेटिकली हमें 2D मिलना शुरू हो जाता है डिटेलिंग के साथ। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अब जो है हल्का सा बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक पार्ट डिज़ाइन पहले खोल लिया, तो इस पार्ट डिज़ाइन में मेरे पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मेरे को, जैसे आप सामने देख सकते हैं। इसमें बाजू में मेरे यहाँ पर एक ट्री डायग्राम चलता रहता है, कॉम्बो व्यू चलता रहता है, जिसमें मुझे मॉडल और टास्क दिया हुआ है। मॉडल में मेरे पास सारे जो भी मैं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी एक लेआउट बनता जाएगा, पहले क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया, और टास्क में जो भी मैं करंट वर्क में हूँगा वो मेरे सामने आएगा। तो जैसे जैसे मैं इसे करता जाऊँगा आपको और क्लियर होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पर कि कोई 2D बना के 3D बनाना है। इसमें भी वैसे ही होता है कि पहले हम एक लेआउट तैयार करते हैं 2D का, और उस 2D को हम डायरेक्ट ड्राफ्टिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम चाहें तो ड्राफ्ट, इसमें हमारे पास ड्राफ्ट बेंच भी है, हम ड्राफ्ट में जाके डायरेक्ट ड्राफ्टिंग वर्क भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर हमें डायरेक्ट ड्राफ्टिंग, जैसे आपने LibreCAD में ग्रिड्स देखी थी वैसी, देखिए सारा का सारा इसके अंदर बना हुआ है, तो वैसे ही हम डायरेक्ट ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें और एक और तरीका क्या है इसके अंदर, कि हम जो है कोई 3D ऑब्जेक्ट बना लें और उससे फिर हमें जो है डायरेक्ट ड्राफ्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है, उससे हम ड्राफ्टिंग वर्क भी कर सकते हैं दोनों से। तो एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, लाइंस टूल्स, रेक्टेंगल टूल्स, वैसे सारे टूल्स होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत हमें कहीं ना कहीं करने के तरीके में वेरिएशंस मिलती हैं, तो दैट वी विल डू। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लीजिए मैंने कैसे स्टार्ट करना है इसको, तो सबसे पहले मैं, जैसे मैं मॉडल लेआउट में चले जाता हूँ, यहाँ पे इसको सामने रखता हूँ, यहाँ से मैंने स्केच का ऑप्शन लिया, ये क्रिएट अ न्यू स्केच, जो भी आपने पहले स्केच बनाना है क्रिएट अ न्यू स्केच आपने लिया। अब यहाँ पर ये आपसे प्लेन्स मांगेगा कि कौन से प्लेन्स पे आप काम करना चाहते हैं, तो इस प्लेन्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस प्लेन पर आपका काम होगा, जो भी प्लेन आप लेना चाहते हैं। जैसे कि हम LibreCAD में देख रहे थे उसमें हमारे पास एक हमारे पास XY प्लेन ही था, क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3D है तो ये हमारे पास दो तीन प्लेन्स बन जाएंगे। उसका हम व्यू चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर हमारे पास एक तो बॉक्स बना है, इनके साइड पर क्लिक करके भी हम व्यूज चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको साइड साइड करता जाऊँगा। एक यहाँ से आप सीधा
आइसोमेट्रिक व्यू लेंगे तो आप देखेंगे सारे प्लेन्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ये एक प्लेन आ गया, ये दूसरा प्लेन आ गया, और ये आपका एक तीसरा प्लेन आ गया। तो ये तीन प्लेन्स हमारे पास आ जाते हैं, इनके नाम साथ में दिए हुए हैं। वो हमारे पास यहाँ पर एक UCS कह लीजिए, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक बना हुआ है 3D का, जिसमें X की डायरेक्शन दी है, Y की डायरेक्शन दी है और Z की डायरेक्शन दी है। इससे भी प्लेन डिफाइन हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे मैं करूँगा आपको और क्लियर होता जाएगा, और साथ साथ मैं बताता भी जाऊँगा। तो X का डायरेक्शन, Y का डायरेक्शन, Z का डायरेक्शन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे जो सॉफ्टवेयर फीचर उठा रहा है उसके हिसाब से दिए हुए हैं। तो अब मैं जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं अब यहाँ से एक कोई भी प्लेन ले सकता हूँ और उस प्लेन पे उस चीज़ को मैं पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने टॉप प्लेन ले लिया, ये वाला एक्स वाई प्लेन, तो मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ से। और इसको मैंने टास्क में देखिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मैं इसे ओके कर दूंगा तो अपने आप एक्स वाई प्लेन मेरे पास एज अ टॉप व्यू मेरे पास सामने आ जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, तो यहाँ से अब मैं चीज़ें जो है पिक कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हेक्सागन बना के दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है। मैंने हेक्सागन ले लिया और यहाँ से मैंने इस डॉट को, जैसे ये येलो हुआ मैंने तब इस पर क्लिक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसको एज ए सेंटर उठा लेता है। पर इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो मैं आपको बनाते बनाते दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर उठा रहा हूँ तो देखो कोऑर्डिनेट वो मुझे शो कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट 0-0 नहीं है, तो मैं उसको एग्जैक्ट 0-0 पे लाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको एग्जैक्ट 0-0 पे ला के उसको क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से मेरा जो है ये हेक्सागन बनना शुरू हो जाता है। साथ ही में टास्क बार में मुझे काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं, ग्रिड का भी आ जाता है, ग्रिड का साइज़ कितना रखना है। जैसे हम उसमें लिब्रेकैड में स्पेशली एक प्रेफरेंस में एडिट में जाके करते थे, वही हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ग्रिड्स बनी हुई हैं। ग्रिड का साइज़ अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10 रख दिया है यहाँ पे, तो 10 mm में मैंने ग्रिड स्नैप कर दिया, तो आप देखेंगे ये अपने आप एक 10 mm पे जाके जो है ये अपने आप रुकना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, देखिए रुक गया यहाँ पे, तो ये अपने आप स्नैपिंग आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको अब अगर 10 पे क्लिक करना चाहता हूँ, मैं 10 पे कर सकता हूँ। तो 10 अगर मैं इसको रेडियस दे रहा हूँ तो टोटल ये मेरा हो जाता है 20। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 10 पे से क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने इसे लेफ्ट क्लिक किया तो ये मेरा इस 10 के डॉट पे एक हेक्सागन पूरा बन गया। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी है, कि ये आपकी प्रिंटआउट में या कहीं भी यूज़ नहीं होगी, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। जो वाइट कलर की ये लाइन आपको दिख रही है ये आपकी जो है एक रेफरेंस लाइन है, और ये इसमें ये आपको रेड रेड कलर के काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये बेसिकली आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? किसी फिगर की डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना, कि वो किस डायरेक्शन में मूव ना कर सके। जिस जिस डायरेक्शन में आप उसे फिक्स करते जाएंगे वो उसका कंस्ट्रेंट बताता जाएगा। इस कंस्ट्रेंट की डिटेल हमें यहाँ मिलती रहती है, यहाँ पे 4 degrees ऑफ फ्रीडम के साथ है, और अभी अंडर कंस्ट्रेंट है, पूरी तरह फिक्स नहीं हुआ है ये। तो ये चीज़ है, जब ये पूरा कंस्ट्रेंट हो जाता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे उसे कंस्ट्रेंट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अभी तो मैंने एक जस्ट एक हेक्सागन यहाँ पे बनाया है। तो अब इस हेक्सागन को मान लीजिए मैं अब एक 2D फिगर है ये मेरा, जिसको मैंने 2 dimensional फिगर सीधा बना लिया। अब मैं इसे 3 dimensional में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मान लीजिए। तो अभी मैं स्केच ऑन किया हुआ है मैंने, तो स्केच में हूँ मैं हूँ। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। जैसे मैंने क्लोज किया तो मैं स्केच से बाहर आ गया, मैं पार्ट डिज़ाइन के अंदर आ गया हूँ अब। और अब यहाँ पर मेरा जो है एक 2D लेआउट मेरा यहाँ पर रेडी हो गया, जो बन गया। अब मैं इससे 3D कैसे बना सकता हूँ? तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है इससे 3D बनाने का। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये पैड वाला ऑप्शन लिया, तो ये पैड सिलेक्शन मैंने लिया। तो इस पैड सिलेक्शन को जब मैं क्लिक करूँगा, स्केच पे हाईलाइट रखा, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं स्केच के ऊपर हाईलाइट रखूँ, ताकि ये मेरा जो स्केच है किसको पैड कर रहा हूँ वो मेरे को यहाँ बता देगा। और फिर मैंने इसको पैड का बटन, जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया ये मेरे को इसका कमांड देने लग गया, और यहाँ देखेंगे आप इसका 3D जनरेशन शुरू हो गया। तो अब मेरे को यहाँ पे इसकी कमांड देनी है कि कितना ये हाइट पे जाए। तो मैं बेसिकली जैसे एक नट बोल्ट बनाते होते हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसकी हाइट जो है मैं 0.75 × D रख लेता हूँ। तो D मैंने 10 रखा है इसका, तो अगर नट का बोल्ट का डाया मैं 10 रख रहा हूँ तो ये मेरा 0.75 × 10 यानी 7.5 हो जाता है। तो मैं इसको 7.5 कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको 7 कर दिया और पॉइंट रखा और ये 5 कर दिया। तो अब ये मेरे पास एक 7.5 का हाइट का मेरे पास जो है 3D सॉलिड बन गया है। अब मैं इसको सिमेट्रिक टू प्लेन कर सकता हूँ, यानी कि ये आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा, या फिर मैं इसको सिमेट्रिक प्लेन की जगह उल्टी बैक साइड नीचे की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो मैं नीचे की तरफ ले जा सकता हूँ, या फिर मैं इसको सिंपली नॉर्मल में ऊपर की तरफ इसे रख रहा हूँ कि प्लेन के ऊपर बन रहा है। लाइक दैट ये हमारी सेटिंग्स होती हैं। जैसे मैंने ये बना लिया मैं इसको ओके कर देता हूँ।
तो अब मैंने जो है इसको यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये मेरा एक सिंपल सा 3D जो है नट बोल्ट का हेड बन गया है ये। तो इसके अंदर और कैसे फीचर्स लाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो कर्व्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। उसमें काफ़ी टूल्स हमारे यूज़ होंगे इसके 3D के। तो ये एक चीज़ मैंने बना ली। अब मैं इसी का मान लीजिए अब मेरे को जो बोल्ट की लेंथ है वो बनानी है। हेड तो मैंने बना लिया है, अब नीचे इसका लेंथ अगर मेरे को देनी है इसको, तो वो कैसे मैं उसको दूंगा। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल सा तरीका लेते हैं। हम दोबारा से हम स्केच पे जाएंगे। हम बॉडी में ही हैं, हम चाहें तो न्यू बॉडी भी बना सकते हैं या फिर इसी बॉडी में मैं स्केच का बना ऑप्शन लूँगा। लेकिन वो कैसे लूँगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है जो मैंने बनाना है नीचे इसका बॉडी जो बनानी है, लेंथ जो बनानी है वो नीचे की तरफ ऐसे बनानी है। तो मुझे नीचे का फेस चाहिए पहले। तो उसके लिए मैं इसका फेस कैसे ले सकता हूँ, मैं इसको मान लीजिए पहले बॉटम में जाता हूँ। तो मैं टॉप पे गया, अब मैंने ऊपर का क्लिक किया तो रियर का आ गया, नीचे का क्लिक किया तो बॉटम आ गया। ये देखेंगे आप, मेरे पास ये टॉप आ रहा है, मेरे को बॉटम चाहिए तो मैं बॉटम पर आ गया। तो ये मेरा बॉटम सरफेस आ गया। अब बॉटम सरफेस को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इस बॉटम सरफेस को हाईलाइट कर लिया। जैसे ही मैंने इस बॉटम सरफेस को हाईलाइट किया है, हाईलाइट करके मैं इसके स्केच टूल बार पे फिर से चला जाऊँगा। जैसे ही मैं स्केच टूल पे जाऊँगा तो अब ये प्लेन कौन सा लेगा, ये बॉटम प्लेन ले लेगा। ये नीचे का प्लेन ले लिया इसने। तो अब मैं उस बॉटम प्लेन पे क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को सर्कल का सेंटर चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले उठाया था कि जूम करके इसके ऊपर येलो, जैसे ये येलो आ जाएगा, जीरो देखिए जीरो जीरो हो गया। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको जो है डायमेंशन देनी शुरू की। तो यहाँ पर भी मैं ग्रिड ले सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को ग्रिड चाहिए तो डायमीटर मैंने 10 रखा है इसका, तो मैं ग्रिड ले लेता हूँ और 10 यहाँ पर दे देता हूँ। तो इसका और भी तरीका है देने का, जिसको आप उस तरीके से भी दे सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे देना है। तो मान लीजिए ये मैं यहाँ से 10 पे लेकर आता हूँ, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। मेरे को इसको 10 mm देना है ना, तो 10 mm देने के लिए मैं इसको लेकर आता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको एक क्लिक कर दिया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको 10 का बनाना है, तो 10 का कैसे बना सकता हूँ मैं इसको। तो मैं लेफ़्ट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसमें जाता हूँ और एक कंस्ट्रेंट लेता हूँ कि मैं इसका डायमेंशन फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी डायमेंशन फिक्स करने के लिए मैंने इसका ये डायमेंशन कंस्ट्रेंट लिया और इसको क्लिक कर दिया। ये मेरे को यहाँ पर पूछ रहा है इसका साइज़ क्या रखना है। तो मैंने इसका साइज़ क्योंकि मेरे को इसका रेडियस 5 रखूँगा तो 10 डायमीटर हो जाएगा। रेडियस 5 रख के मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब ये मेरा जो है 10 डायमीटर का, आप देखिए ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया 10 डायमीटर के। सेंटर इसका ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है प्रॉपरली। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को अब मुझे दोबारा से एक्सट्रूड करना है या पैड करना है, इसको फिर से 3D देना है। तो वो 3D मैं कैसे दे सकता हूँ, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें मैंने दोबारा से मैं इसके व्यू पे जाता हूँ जिसमें मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करके मैं मॉडल में मैं स्केच ये वाला सेलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी बनाया है रिसेंटली, दिस सर्कल वन। और इस स्केच को लेकर मैं फिर से पैड ले लूँगा और पैड लेके मान लीजिए मुझे लेंथ बनानी है, मैं लेंथ ले लेता हूँ 12 टाइम्स, यानी कि मैं अगर मैंने इसका डायमीटर 20 रखा है, 10 रखा है, तो मैं उसको 2 टाइम्स या 4 टाइम्स भी ले सकता हूँ, 4 टाइम्स डायमीटर भी ले सकता हूँ या 2 टाइम्स भी ले सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए इसको 20 ले लेता हूँ, 2 टाइम्स कर लेता हूँ और इसको मैं ओके वही वैसे बिल्कुल मैं चलूँगा कि मेरे को रिवर्स तो नहीं करना है। तो मैं इसकी एक बार आइसोमेट्रिक व्यू में देखता हूँ तो मेरे को और क्लियर हो जाएगा। देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे ओके कर लिया। तो ये जो है मेरा, देखिए आप, ये चीज़ मेरी यहाँ बन जाती है। तो इस टाइप से हम इसके 3D व्हीकल्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इसमें और कैसे काम हो सकता है और कौन से टूल्स यूज़ हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक बहुत जनरल सी चीज़ बताई है कि कैसे हम इसके अंदर जो है एक 2D बना के 2D से 3D को हम बना सकते हैं। अभी आगे और काफ़ी सारे टूल्स आएंगे, वो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊँगा। दैट विल बी एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।